भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट वनडे और टी20 तीनों ही क्रिकेट के प्रारूप जल्द ही घोषित होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय टीम वेस्टइंडीज तो पहुंच ही चुकी है, लेकिन दोनों ही टीमों के बीच अभ्यास मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन वाकई में अव्वल दर्जे का रहा। तो चलिए बताते हैं मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। शिकागो चलाता तो भारतीय टीम ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी वेस्टइंडीज की। बल्लेबाजी इस मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई। शुरुआत में मायर्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, तो वहीं शाई होप ने भी 17 गेंदों में 27 रनों का योगदान दिया। सबसे ज्यादा कहर टूटा निकोलस पूर्ण का, जिन्होंने 21 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन ठोक डाले, और हेटमायर ने 31 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम 20 ओवर में 195 रन तक पहुंच गई लक्ष्य का पीछा करने। उतरी भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा में वास्तव में शानदार बल्लेबाजी। गरीब दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 6 ओवर में 57 रन जोड़ दिए थे। उसके बाद शुभमन गिल 19 रन बनाकर आउट हो गए। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कोहली ने इस मुकाबले में पूरी तरह से मैच को पलट कर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक रही कि दोनों ने 10 ओवर में 111 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। रोहित ने 21 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया था। उसके बाद 24 गेंदों में 56 रन बनाकर रन आउट हो गए, और बल्लेबाजी पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने कोहली का भरपूर साथ दिया। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 15.3 ओवर में 150 का आंकड़ा पार कर लिया। विराट कोहली 31 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए, और ऐसे में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। लगभग 4 ओवर में जीत के लिए 40 रन की जरूरत थी। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम चरण तक आ गए। 1 ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी, और सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर भी छक्का लगा दिया, जिसके बाद 90% टीम हमारी जीत चुकी थी। और उसके बाद अंतिम गेंद पर चौका लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। सूर्य कुमार यादव 21 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे। वैसा आप सभी भारत की शानदार जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए।